Welcome to the Shivani Public School, a landmark of academic excellence, modern technology, and epitome of hard work and dedication. Visit and explore more about Shivani Public School. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। सिख युवक की हत्या के बाद सिख समाज बेहद गुस्से में है और यही मांग कर रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति में सरकार कुछ है। इस सिलसिले में देहरादून के डोईवाला में भी पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान के ननकाना साहिब और सिख युवक की हत्या के खिलाफ सिख समाज में काफ़ी आक्रोश है। हम सब यहाँ डोईवाला चौक पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर हमने जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब में ये घिनौनी हरकत हुई है उसके खिलाफ सभी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। तमाम जितने भी लोग आए सब ने इस मामले की घोर निंदा की। डोईवाला में सभी धर्मों के लोगों ने नगर चौक पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। सिख समाज के साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी विरोध में शिरकत की। डोईवाला चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। साथ ही भारत सरकार से मांग की गई कि पाकिस्तान को सख्त से सख्त चेतावनी दी जाए कि वहां पाकिस्तान में इस प्रकार की निंदनीय हरकतें न होने दें। साथ ही मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों ने भी पाकिस्तान में हुई हरकत की निंदा की और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने ननकाना साहब पर पथराव किया। क्षेत्र की तरफ से और खासतौर पर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ननकाना साहब में हुए इस पथराव और इस उपद्रव की निंदा करते हैं और साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। खासतौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान अपना भी सम्मान करता है, अपने धर्म का भी सम्मान करता है, धार्मिक स्थलों का भी सम्मान करता है और जैसे वो अपने धार्मिक स्थलों का सम्मान करता है ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के धार्मिक स्थलों का सम्मान करना चाहता है और करना जानता है। इसलिए अगर ननकाना साहिब में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और आइंदा के लिए पाकिस्तान को चेताना चाहते हैं कि ऐसी हरकत ना करे और ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनको ये उनको सख्त कार्रवाई करने के बाद हमें आश्वासन दे, हमें ये बताए कि आइंदा इस हरकतें नहीं की जाएंगी। देखिए आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है जो हमारे धर्म के जो हमारा गुरुद्वारा है वहाँ पर हमारा पवित्र स्थान है ननकाना साहिब, वहाँ पर जो उपद्रवियों ने जो पथराव किया है, जो अभद्र व्यवहार किया है वहाँ के हमारे सिख भाइयों के साथ, हमारे श्रद्धालुओं के साथ, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया है और उसमें हमारे सारे सभी धर्म के भाई हमारे साथ आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सारे भाई हमारे साथ आए हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये कड़े शब्दों में चेतावनी दी जाए कि हमारे अगर ऐसे धर्म के खिलाफ, हम किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसे आगे से कोई ऐसा अपराध होगा तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न हो रहा है उसे सिख समाज बेहद गुस्से में है और मोदी सरकार से इस पूरे मामले पर दखल देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।